मेरा नाम वीर मात्रे है। मैं जरंदेश्वर के पास एक गांव से हूँ। मैं गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ। अगर भूल से भी पैसा आता है तो वो कर्जा देने में चला जाता। मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आइडिया है, बिजनेस आइडिया। निकला खिलाड़ी मिनिस्टर साहब अभी बिजी है, कल पक्का। सर मेरे पास आपके 100 कार्ड है। मैंने 1000 छपा। भाई ट्रेलर तो भाई बढ़िया लग रहा है भाई। प्रपोजल देख तो लीजिए सर। फोटो भी इसकी है, इधर हर जगह लगी हुई। परेश गोस्वामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाई उसने। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं वो। 10 फीट के रेडियस में जाके दिखाओ। लगी सर। हेलो सर, यू वांट टू स्टार्ट एन एयरलाइन? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारी बगल में आके बैठे। मैं नहीं चाहता। एयरलाइन चलाना बड़े लोगों का काम है। तुम गांव जाओ और अपनी गाय भैंस चलाओ। कहां चील गिद्ध के बीच में अपनी छोटी सी चोंच घुसा रहे हो? तुम कौन हो? वो आम आदमी जो अब जेब में 1 रुपया लेकर भी उड़ने का सपना देख सकता है। 1 रुपए का फ्लाइट टिकट। भाई साहब जो बात बोली ना, जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया। सर मुझे बस एक मौका चाहिए सर। सर मैं चाहता हूँ आम आदमी आसमान छू सके सर। वीर कहता है गांव वालों को प्लेन में बिठाएगा। हर पंछी जिसके पर होते हैं जरूरी नहीं कि वो उड़ सकता। वो जो कहता है करके दिखाता है, करेगा ना? ओ आई बस चलो। खाना पानी बिजली मेडिकल फैसिलिटीज की तरह लो कॉस्ट एविएशन भी हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। मैं आम आदमी के लिए सिर्फ कॉस्ट बैरियर नहीं, साला कास्ट बैरियर भी तोड़ना चाहता हूँ। ये बात तो भाई आपने मूवी का ट्रेलर देख लिया होगा। सरफिरा मूवी का ट्रेलर है, अक्षय कुमार जी हैं इसमें। और भाई बात ऐसी है, अक्षय कुमार जी की मूवी भाई बढ़िया ही जाती हैं भाई। ज़्यादातर तो कमी मूवी हैं जो थोड़ी बेकार सी रहती हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो बाद में लाइन बोली ना कि जा उड़ के दिखा, वो जब फोन पे बात करता है वो भाई साहब दिल पे लगने वाली बात है। और वो जब उड़ के दिखाता है ना, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट वो जब बोलता है ना कि हम लोगों की औकात नहीं है, वो फिर सिक्का दिखाता है, अक्षय कुमार जी सिक्का दिखाते हैं कि नहीं को हम इसकी औकात दिखाएंगे। तो भाई मूवी का ट्रेलर जब ऐसा है तो भाई मूवी कैसी होगी? तो भाई 12 जुलाई को 2024 को देखना मत बोलना, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि मूवी बहुत बढ़िया लगी मुझे भाई। देख लिया मैंने, इससे पता चल गया मुझे कि मूवी कैसी होगी। ठीक है, सो गाइस बाय, जय हिंद जय भारत।